एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 फेस टोनर और फेस मिस्ट फॉर दिस समर। सो समर्स में आप कौन कौन से टोनर्स या फेस मिस्ट ट्राई कर सकते हैं, वही आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड ये जो फेस टोनर्स है, ये मैंने हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग रखे हैं एंड फॉर समर्स के अकॉर्डिंग रखे हैं। लाइक समर्स में मोस्टली क्या होता है, समझ में नहीं आता है स्किन में किस टाइप का टोनर यूज़ करना चाहिए जो हल्का सा रिफ्रेशमेंट भी दे एंड और आपकी जो स्किन है उसमें जो भी लाइक पोर्स की प्रॉब्लम है या स्किन में जो भी ग्लो की प्रॉब्लम है उसको लाइक हटाए। सो अगर हम बात करें टोनर की, तो टोनर क्यों लगाना ज़रूरी है या अगर हम उसको नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सो वो जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, फेस को वॉश तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद में टोनर का जो एप्लीकेशन होता है, जो स्टेप होता है, उसको एकदम स्किप करके देन जंप करते हैं डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र पर। सो फेस वॉश के बाद आप डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो बीच का जो स्टेप है गाइस, लाइक जो CTM रूटीन होता है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो स्किन की रूटीन में हर एक स्टेप जो होता है, चाहे क्लिनजिंग हो, टोनिंग हो, मॉइस्चराइजिंग हो या सीरम हो या फिर अगर आप सनस्क्रीन को लीजिए, अपने आप में इनका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसीलिए हर एक स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो CTM रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो क्योंकि जब हम हमारे फेस को वॉश कर लेते हैं देन हमारे फेस में जितनी भी गंदगी होती है, पोर्स में जमी हुई होती है, वो निकल जाती है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रेजिड्यू जो है वो रह जाता है। क्योंकि टोनर हमारे स्किन में जो भी पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज़ करता है या उसको श्रिंक करने में हेल्प करता है, साथ में उसको क्लीन करने में भी हेल्प करता है। इसी के साथ में टोनर हमारे जो फाइन लाइन्स होती है उसको रिड्यूस करता है एंड इसी के साथ में हमारी स्किन को ब्राइटन करने में भी हेल्प करता है। अगर आप जो फेस वॉश है उसके बाद में टोनर अप्लाई करते हैं तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी स्किन जो है टोन्ड अप नज़र आ रही है या आपकी स्किन में बहुत अच्छा जो इफ़ेक्ट है आप खुद फील कर पाते हैं। इसी के साथ में मार्केट में आपको बहुत अलग अलग तरीके के टोनर मिल जाते हैं। लाइक अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग जो आपकी ऑयल को बैलेंस रखे या ऑयल को कंट्रोल करे उसके अकॉर्डिंग आपको टोनर मिल जाते हैं। अगर आपकी स्किन में ग्लो की कमी है तो उसके लिए टोनर मिल जाते हैं एंड अगर आपके स्किन में इस तरीके से लाइक आपकी स्किन सैगिंग में आ चुकी है, अगर आपके स्किन में रिंकल्स आ चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको टोनर मिल जाते हैं। सो मार्केट में आप अपने स्किन कंसर्न या स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टोनर्स पिक कर सकते हैं। सो उसी में से मैं कुछ टॉप 5 टोनर्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। फॉर टोनर एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पोर्स की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आपको लाइक जो सैगिंग की प्रॉब्लम है स्किन में, रिंकल्स, फाइन लाइन्स या बहुत जल्दी प्रीमेच्योर एजिंग्स आ जाती है, लाइंस आ जाती है, लाफ लाइंस आ जाती है, अगर आपको ये इश्यूज नहीं चाहिए तो टोनर एप्लीकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में स्किन में एक लिफ्ट चाहिए या स्किन में फ्रेशनेस चाहिए, आपके स्किन में हाइड्रेशन की कमी लगती है आपको, सो वो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। इसी के साथ में स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखने में भी हेल्प करता है। सो आप देख सकते हैं एक टोनर जो है वो स्किन में इतनी सारे इश्यूज जो है उसको कंप्लीट करता है। आफ्टर क्लेंजर हमारी स्किन थोड़ी सी अच्छे से क्लीन तो हो जाती है बट उसी तरीके से हमको उसको पैम्पर भी करना चाहिए ताकि जितने भी पोर्स हैं वो स्किन में जो खुल चुके हैं वो अच्छे से लॉक हो जाए ताकि जो भी गंदगी है या ऑयल है वो जल्दी से हमारे पोर्स में पेनिट्रेट ना हो पाए। इसी वजह से जो टोनर है उससे अच्छे से आपको अच्छी जो स्किन है उसे टोन करके एंड देन आपको उसको लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो ये स्टेप आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि टोनर क्यों इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप टोनर एप्लीकेशन नहीं करते हैं इससे आपको स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो मैं अभी आपको बता देती हूँ लाइक मैं कौन से टोनर्स यूज़ करती हूँ एंड मैं कौन से टोनर्स इन समर में आपको रिकमेंड कर रही हूँ। ओके गाइस, सर चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस समर में जो फर्स्ट टोनर मैं रिकमेंड कर रही हूँ वो है लाइक प्लम का ग्रीन टी एल्कोहल फ्री फेस टोनर। सो ये सबको पता है प्लम का सबसे बेस्ट वाला टोनर है ये। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो भी शेयर किया है, रिव्यू फुल ऑन इसका है मेरे चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। ये जो टोनर है ये मेरा बहुत फेवरेट आप बोल सकते हो क्योंकि बहुत सारे टोनर्स मैं यूज़ करती रहती हूँ बट ये वाला जो टोनर है ये हमेशा मेरी वैनिटी में रहता है क्योंकि इसको ना मैं लाइक इस तरीके से यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे फेस पे कभी मुझे ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं पिंपल्स के,
तो अब ये टोनर मेरा काम आता है। एंड फॉर समर्स मेरी स्किन में थोड़े से पोर्स के इश्यूज़ हो जाते हैं, तब ये टोनर काम आता है। बिकॉज मेरी जो स्किन है ना गाइस, वो समर्स में कॉम्बिनेशन हो जाती है। तो ये जो टोनर है ये है फॉर कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन एंड फॉर एक्ने प्रोन स्किन। सो ये जब भी ख़त्म होता है इसको हमेशा मैं रखती हूँ अपने साथ। सो ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ऑल टाइम इसको इसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने होते हैं। बट हाँ, अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो बार बार लाइक परचेज कर रहे हैं तो सीरियसली उसमें कुछ बात होगी। सो ये वाला जो टोनर है ये जब भी फिनिश होता है तो मुझे इसको रीपरचेज करना पड़ता है, क्योंकि ये इसीलिए रहता है कि मेरी स्किन में पिंपल्स या थोड़ी सी पोर्स की प्रॉब्लम आ जाए, या समर्स में मेरी स्किन का टी जोन ऑयली हो जाता है। सो दैट्स वाई मुझे ये ट्राई करना ही रहता है। सो ज़्यादा ख़त्म होता नहीं, बट फिर भी यूज़ करने के लिए मुझे हमेशा रखना पड़ता है। सो ये जो टोनर है इसमें आपको 200 ml प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिल जाती है, एंड इसकी जो प्राइस है गाइस वो है 390 rupees। एंड ये आपको हर जगह पे मिल जाएगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका पे भी मिल जाएगा, प्लम से आप खुद परचेज कर सकते हैं। सो ये चीज़ है। एंड जैसे मैंने आपको बताया ये है कॉम्बिनेशन ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी। आगे मैं आपको बता रही हूँ कि आगे और कौन से टोनर्स आप ट्राई कर सकते हैं। मैं है ग्रीन टी एंड साथ में ये अल्कोहल फ्री टोनर है। सो या स्किन के लिए भी अच्छा है। एंड जब आप इसको यूज़ करते हैं ना, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपकी ना स्किन में थोड़ा सा टिंगलिंग इस तरीके से होता है, लेकिन हाँ कुछ एक सेकंड तक होता है, देन वो चीज़ हट जाती है। फर्स्ट टोनर ये है जो समर्स में आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो टोनर है गाइस वो है प्योर सेंस की पिंक गुआवा फेस टोनर। एंड ये वाला जो टोनर है इसमें है रोज़ वाटर एंड पोमेग्रेनेट, एंड साथ में ये स्किन को हाइड्रेट एंड सूथ करने में हेल्प करता है। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। सो ये जो टोनर है इसमें आपको 100 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है, जिसकी प्राइस है 500 rupees। लेकिन हाँ, आप नायका वगैरह में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिस्काउंट्स ऑफर मिल जाएंगे। तो ये जो टोनर है गाइस इसमें आपको बहुत अच्छी एक फ्रेशनेस मिल जाती है, साथ में ये स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं पिंक गुआवा एंड पोमेग्रेनेट एंड रोज़ वाटर, जो स्किन को बहुत अच्छे से उसके जो पोर्स होते हैं उसको श्रिंक करते हैं, स्किन को एक अच्छा सा ग्लोइंग इफेक्ट देता है, एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। साथ में मैंने आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाफ एंड हाफ ख़त्म कर लिया है। सो जब मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, स्किन में एक फ्रेशनेस तो मिलती ही है, साथ में स्किन को अच्छे से टोन करने में ये हेल्प करता है। एंड फॉर ड्राई स्किन मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए, आप कोई भी स्किन टाइप वाला आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। या नेक्स्ट जो टोनर है वो है ये प्योर सेंस का पिंक गुआवा फेस टोनर। ओके, सो नेक्स्ट जो टोनर है ये है गुड वाइब्स का डी टैन ग्लो टोनर। सो ये जो टोनर है ये तो समर्स में ज़रूर रिकमेंड करने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये वाला जो टोनर है वो बहुत अच्छा है समर्स के लिए, अगर आप कोई अफोर्डेबल रेंज में टोनर ढूंढ रहे हैं। इसका जो प्राइस पॉइंट है वो है 249 rupees में आपको 120 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है। एंड गुड वाइब्स में आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिल जाते हैं, पर्पल पे ट्राई कर सकते हो, अमेजोन पे ट्राई कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे डिसेंट प्राइस में ये मिल जाता है। सो ये जो टोनर है ये एक उपटन टोनर है, इसमें आपको टर्मरिक एंड सैफ्रन की गुडनेस मिल जाती है, एंड ये अल्कोहल फ्री है एंड पैराबिन फ्री है। सो यह स्किन के लिए भी सेफ है। तो आप इसको स्प्रे करते हैं, हल्का सा आपको फ्रेशनेस मिलती है इसको स्प्रे करने के बाद, एंड आप इसको एज अ फेशियल मिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें एक और चीज़ अच्छी है, सीरम पावर ब्यूटी के साथ आपको मिलता है, जो कि गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट्स है उसमें सीरम का यूज़ किया गया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, तो इसमें भी उसका यूज़ किया गया है। समर्स में हमारी स्किन जो है उसमें बहुत ज़्यादा टैनिंग की इश्यूज आ जाते हैं, ग्लो ख़त्म हो जाता है टैन की वजह से। सो ये टोनर मस्ट ट्राई कर सकते हो आप, इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत अच्छे रहते हैं टैन को रिमूव करने में, स्किन को ग्लो देने में। सो यह नेक्स्ट वन है गुड वाइब्स का ये डी टैन ग्लो टोनर। सो ये हर कोई ट्राई कर सकता है, लेकिन ऑल स्किन टाइप के लिए है। सो या डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टोनर है पिलग्रिम का 1% विटामिन सी टोनर। अगर आपके स्किन में ब्राइटनेस की कमी है या ग्लो की कमी है तो ये टोनर बहुत अच्छा है, या आपको विटामिन सी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट चाहिए, या विटामिन सी आपको अच्छी खासी सूट हो जाती है लाइक मी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है विटामिन सी के साथ, तो मैं मोस्टली क्या कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है विटामिन सी रेंज से पिक करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इसमें है 1% विटामिन सी, काकाडू प्लम एंड लाइम पर्ल, जो स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। सो इसमें आपको 100 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है, जिसकी प्राइस है 300 rupees। तो ये जो टोनर है ये स्किन को फ्रेशनेस देने में हेल्प करता है, साथ में अब जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छी सी विटामिन सी की फ्रेग्रेंस भी मिलती है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में नहीं है,
बहुत लाइट आपको फ्रेग्रेंस मिलती है, जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो फ्रेग्रेंस भी चली जाती है। स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ब्राइटनेस देने में हेल्प करता है, साथ में पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी का यूज़ किया गया है जो स्किन में ग्लोइंग इफेक्ट लेके आता है। एंड समर्स में हमारे स्किन में ब्राइटनेस की कमी तो हो ही जाती है, सो ये बहुत डिसेंट टोनर है, आप ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस जो लास्ट टोनर है ये भी मेरा एक फेवरेट टोनर में से है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था प्लम का टोनर वो हमेशा मेरे पास रहता है, वैसे ही ये है न्यूट का रोज वाटर फेशियल मिस्ट जिसमें आपको एलोवेरा एंड क्यूकम्बर की भी गुडनेस मिल जाती है। रोज वाटर एंड क्यूकम्बर का यूज किया गया है जो स्किन में जितने भी पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं। एलोवेरा हमारी स्किन को हाइड्रेशन देने में हेल्प करती है, साथ में फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सो ये जो टोनर है एक डिसेंट सा टोनर है, जब आप इसको स्प्रे करते हैं आपको इतनी अच्छी रोजी फ्रेग्रेंस मिलती है, एक बहुत ही अच्छा एक कामिंग इफेक्ट आपको मिल जाता है एंड ये हर स्किन टाइप पे बहुत अच्छे से जाता है एंड स्किन को बहुत अच्छे से ये हाइड्रेशन भी देता है, रिफ्रेशमेंट भी देने में हेल्प करता है। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा अपने पास ये वाला टोनर तो रखती हूँ एंड समर्स के लिए मस्ट बाय प्रोडक्ट है। सो गाइस आप समर्स में इन टोनर्स एंड फेशियल मिस्ट को जरूर ट्राई कर सकते हैं, ये हाईली मैं आपको रिकमेंड करी क्योंकि ये जो 5 टोनर है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड मैंने हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको बताया। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप प्लम का ट्राई कर सकते हैं एंड ये वाला जो टोनर है ये ऑल स्किन टाइप के लिए, आपके फेस पे अगर बहुत ज़्यादा ही टैनिंग के इश्यूज है तो आप D10 वाला ट्राई कर सकते हैं। सो देखा जाए तो ना हर स्किन टाइप के लिए है, स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग है। सो जितने भी टोनर्स मैंने आपको बताए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड यह शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।